पाव स्टार पॉन्सन काफी बार चर्चों में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा का विषय उनकी पत्नी और वो खुद हो पड़े हैं। आ रही बड़ी खबर के अनुसार अपनी पत्नी से अब वह तलाक लेने वाले हैं। तलाक के लिए जी हाँ याचिका भी दायर की गई थी। इसके साथ बताएंगे वह तह तक की जानकारी जो आपको चौंका सकती है, जो आपको ये बता सकती है कि आखिरकार पॉन सिंह के निजी जिंदगी में किसने जहर घोला है और किसके कारण आज अपनी पत्नी से पॉन सिंह जो है वो तलाक लेने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो ऑडियो याद होगा जब 2019 में अक्षरा सिंह और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ज्योति सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिस ऑडियो के अंदर दोनों ने बातचीत की और एक दूसरे से बातचीत करते हुए उन्होंने काफी कुछ कहा था। उस बार लगातार इस बात की चर्चा हुई कि अक्षरा सिंह से और उनकी पत्नी की जो बात हुई इसका मतलब क्या था। उसके बाद से पवन सिंह लगातार रिलेशन बनाने के चक्कर में पड़े रहे कि किसी भी तरीके से पत्नी से रिलेशन बने और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसका कारण एक और वीडियो में देखा गया था जब आपने लगातार जी हां आपको बता दें कि पुदीना वाले गाने को जब देखा था और पुदीना वाला गाना 1 बिलियन गया था, उस दौरान पवन सिंह केक काटने के दरमियान अपनी मां को लाइव में लिए थे और उस दौरान उनकी मां रोने लगी थी क्योंकि पवन सिंह के निजी जिंदगी के अंदर कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और यही कारण था कि पवन सिंह ने बड़े ही बर्दाश्त करने के बाद में, बड़े ही लंबे अरसे के बाद में उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया कि अब उन्हें तलाक लेना है, क्योंकि वो लंबे समय से यह चाहते आ रहे थे कि कैसे भी करके ज्योति सिंह से उनका रिलेशन बने और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, जो उनके माता और पिता का एक सपना था कि पवन का एक पुत्र हो जो हम दोनों देख सकें। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पवन सिंह द्वारा रिलेशन बनाने का लाख प्रयास किया गया लेकिन उसके बावजूद भी रिलेशन नहीं बना और इसी के कारण उनके दोनों जीवन के अंदर दरमियान जो है वो उठापटक देखा गया। लेकिन अब सूत्र बताते हैं कि जो पवन सिंह के निजी जिंदगी के अंदर हो रहा है इसमें अक्षरा सिंह ने भी पहले रोल निभाया है और इसी के कारण अब दोनों की जी हाँ बातचीत बंद हुई। इसके साथ ज्योति सिंह और इसके साथ अक्षरा सिंह अलग अलग अवस्थाओं में देखे गए हैं। हालांकि दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बने रहे आप हमारे साथ। ITT न्यूज़ के लिए दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे।